नमस्कार दोस्तों, अभी हम इस वीडियो में आप लोगों को साइंस के 50 वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 100% लर्नर वाला आपको बताने वाले हैं, तो अच्छे से आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। और दोस्तों, मैं आपको इतना गारंटी जरूर देता हूँ कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा आपका NCERT का प्रश्न है, तो इसको अच्छे से आप लोग रट लेना। ओके, तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि एक प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कौन सा हो सकता है। तो दर्पण दोस्तों वहां पर हमारा समतल दर्पण होगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्लेन मिरर बोलते हैं। तो हमारा आंसर मिल जाएगा पहला का सी नंबर, इसे आप लोग को याद रखना है। और दूसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक ही होता है, और काल्पनिक के साथ साथ ये हमारा सीधा भी बनता है। तो आंसर आपका दूसरा का मिल जाएगा दोस्तों बी नंबर, आप लोग इसको अच्छे से याद रखना है। दोस्तों, हमारे साथ बने रहिएगा, एग्जाम में आप लोग को हेल्प मिलेगा, और सब लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लेना। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, ताकि आपको एग्जाम में मदद दे सके, ठीक है? तो व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करना। और तीसरा नंबर आप लोगों का प्रश्न है कि प्रकाश परिवर्तन के नियम है, यानी कि दोस्तों प्रकाश के परिवर्तन कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप लोग को याद रखना है। और आपका चौथा नंबर दोस्तों क्वेश्चन है कि दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है। दोस्तों, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आंसर आपको मिल जाएगा चौथा का बी नंबर, यहां पर आपको चौथा का बी नंबर आंसर मिल जाएगा। अब दोस्तों, पांचवा नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। दोस्तों, उत्तल दर्पण में हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, क्या होता है दोस्तों, सीधा होता है, हमेशा और हमेशा सीधा होता है। ऑप्शन नंबर आपका पांच का ए नंबर मिल जाएगा, इसे याद रखना। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका छह नंबर है। छह नंबर दोस्तों आप लोगों का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है तो दुगुनी होती है, क्या होती है दोस्तों, दुगुनी या फिर आधी होती है। तो आप सभी को याद रखना है आधी होती है, क्या होती है, आधी होती है, क्योंकि आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ बराबर R/2 होता है, तो आधी हुआ। आंसर आपका मिल जाएगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन आपका, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा देखने के लिए करता है। तो दोस्तों, वहां पर अवतल दर्पण का वो उपयोग करता है, क्योंकि दोस्तों अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बहुत बड़ा बनता है, इसलिए हमारा आंसर मिल जाएगा बी नंबर, इसे आप लोग को याद कर लेना है। अगला दोस्तों क्वेश्चन आप लोग का है, क्वेश्चन नंबर आपका 9 है कि गोलीय दर्पण के परिवर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो दोस्तों, 9 का आंसर मिल जाएगा आपका डी नंबर, गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। और यहाँ पर दोस्तों 10 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। यानी कि दोस्तों आपको पता है ना, एफ बराबर R/2 होता है, तो एफ का मान निकालना है, तो एफ बराबर आर का मान 32 रख दीजिए और बटा में 2 रख दीजिए, तो कट जाएगा 16 बार में, तो प्लस में 16 सेंटीमीटर होगा, यहाँ पर प्लस में 16 सेंटीमीटर टिक लगाइएगा, माइनस में नहीं होगा, क्योंकि हमारा दर्पण उत्तल है और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है, तो प्लस में आपका 16 सेंटीमीटर मिल जाएगा। अब दोस्तों, अगला क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन हम लोग का 11 नंबर, किस दर्पण का वास्तविक तथा समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों, 11 का सही आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, फोकस दूरी के दुगुनी दूरी का मतलब हुआ 2f पर। ओके, अगला क्वेश्चन दोस्तों है आपका 12 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपको बी नंबर में दिया होगा, मिट्टी दिया ना, तो मिट्टी का उपयोग हम लोग लेंस बनाने में नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, पीतल का भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, पीतल अगर भी ऑप्शन में देना तो आप लोग टिक लगा देना, क्योंकि पीतल का भी उपयोग नहीं करते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक का हीरा का होता है, हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 होता है, जो सबसे ज्यादा यही आपका होता है। और अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा निर्वात में अधिक होती है, कहां पर होती है, निर्वात में अधिक होती है, कितना, 3×10^8 मीटर पर सेकेंड। अभी मैं आपको इधर दिखा देता हूं, प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा किस में होती है, तो निर्वात में होती है। यहाँ पर कितना नंबर क्वेश्चन था, हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों आंसर आपका क्या मिल जाएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा अधिक होती है। और अगला क्वेश्चन आपका 15 नंबर है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी, दोस्तों अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, धनात्मक ऋण, यानी कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, थोड़ा सा आंसर आपको बहुत कन्फ्यूज कर दिया, यहाँ पर ए बी, यहाँ पर ये आपका सी होना चाहिए, धनात्मक ऋण मतलब कि दोस्तों, या ऑप्शन नंबर बी में आपका धनात्मक होगा,
और डी नंबर में सी नंबर में दोनों और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं। और ए नंबर में दोस्तों ऋण होना चाहिए, ऋण ये धनात्मक काट दो, ऋण ऋण का मतलब होता है ऋणात्मक, तो आपका आंसर होगा ऋणात्मक, क्योंकि अवतल दर्पण की फोकस रे हमेशा माइनस में ही होती है और आप लोग एग्जाम में माइनस देगा नहीं तो ऋणात्मक देगा, धनात्मक नहीं देगा, क्योंकि धनात्मक फोकस दूरी होगा अवतल उत्तल लेंस का, लेकिन यहाँ पर अवतल लेंस है तो माइनस होगा, ऋण वाला पर टीक लगाना, आंसर आपको ऋण वाला पर टीक लगाना, थोड़ा सा यहाँ पर टाइपिंग में मिसप्रिंट हो गया बट आप लोग ऋण वाला पर टीक लगाना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन से लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को बहुत बढ़िया से पता होगा, बहुत बढ़िया से पता होगा दोस्तों कि वास्तविक और आभासी किस में प्रतिबिंब बनते हैं, तो उत्तल में बनते हैं ना, उत्तल में बनते हैं, उत्तल लेंस में दोनों प्रकार के प्रतिबिंब आपके बनते हैं। ये हमारा लेंस है दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों लेंस है, इसमें ना बनते हैं उत्तल लेंस में ना, दोनों प्रकार के वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के बनते हैं, और उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक बनते हैं और लेंस में आपका दोनों बन जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका 17 नंबर है दोस्तों। 17 नंबर क्वेश्चन है, एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो प्राप्त प्रतिबिंब क्या होगा दोस्तों। तो आपका 17 का आंसर क्या बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया कि उसका आवर्धन दोस्तों कह रहा है कि ऋणात्मक हुआ, तो दर्पण का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा दोस्तों। तो आपका 17 का आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिल जाएगा, याद रखना उल्टा बनेगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक का मान क्या होता है, तो साइन आई बटे साइन आर होता है, यानी कि दोस्तों म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई ऊपर आएगा और दोस्तों साइन आर आपका नीचे हो जाएगा, ये वाला हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं तो 19 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी अपसारी लेंस भी कहलाता है। तो दोस्तों अपसारी हम लोग किसको कहते हैं, अवतल को कहेंगे, और अभिसारी हम लोग कहते हैं उत्तल को, अगर उत्तल कहेगा तो अभिसारी समझ लेना, अभिसारी आप लोग समझ लेना, यानी कि आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन आप लोग का है 20 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी वस्तु के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, यानी कि दोस्तों आवर्धन ऋणात्मक हो, अगर ऋणात्मक हो तो दोस्तों अभी मैंने आपको क्वेश्चन कराया, एकदम जस्ट मैंने अभी आपको तुरंत क्वेश्चन कराया कि उल्टा बनेगा, मतलब कि वास्तविक और उल्टा, क्योंकि उल्टा तभी बनता है जब वास्तविक होता है, वास्तविक के साथ उल्टा ही बनता है दोस्तों। और देखो अगला क्वेश्चन 21 नंबर, ध्यान से देखिएगा 21 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि अभिक्रिया CaCO3 एरो CaO प्लस CO2 किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है। तो दोस्तों ये हमारा वियोजन हो जाएगा, वियोजन को दोस्तों अपघटन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं, वियोजन को हम लोग अपघटन के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि एक पदार्थ टूटा है और दो पदार्थों में विभक्त हुआ है, इसलिए ये हमारा होगा अभियोजन अभिक्रिया। अब दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन आता है 22 नंबर, ये क्वेश्चन है अपचयन अभिक्रिया में, अपचयन अभिक्रिया है जिसमें, तो अपचयन अभिक्रिया में अपचयन में दोस्तों क्या होता है ना, ऑक्सीजन का युग होता है, ऑक्सीजन का युग होता है अपचयन में, तो आपका अपचयन तो दिया ही नहीं है जी, अपचयन इसमें दिया है तो ऑक्सीजन का युग इसमें दिया नहीं दिया ना, तो अगर आपको ऑक्सीजन का युग नहीं दिया होगा इलेक्ट्रॉन का त्याग, यहाँ पर थोड़ा सा हमको लगता है ये कन्फ्यूजन है, क्योंकि दोस्तों अपचयन में उपचयन में पता है क्या होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है, ऑक्सीजन का संयोग होता है और वियोग होगा, यानी कि आपका आंसर दोस्तों बी नंबर तो बिल्कुल सही हो जाएगा बी नंबर, क्योंकि दोस्तों अपचयन में हाइड्रोजन का ना हाइड्रोजन का ह्रास होता है और ऑक्सीजन का संयोग होता है, नहीं एक मिनट मैं भी कन्फ्यूज में पड़ गया हूँ, जो हमारा उपचयन होता है उसमें ऑक्सीजन का युग होता है उपचयन में, ठीक है, और अपचयन में वियोग होगा यानी कि आपका ह्रास होगा, बिल्कुल सही होगा आपका ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, ठीक है ना, क्योंकि योग नहीं हुआ, ऑक्सीजन का योग किस में होता है, तो ऑक्सीजन का युग आपका उपचयन में होता है ना, उपचयन में, और वहाँ पर हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो हमारा बी नंबर वाला आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। इस बार एक बार अच्छे से आप लोग देख लेना कितना अपना 22 नंबर वाला को ना, 22 नंबर वाला को अच्छे से देख लेना। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका, वैद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है, ये तो आपका इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है तो एनोड पर ना, एनोड पर नहीं, कैथोड पर मुक्त होता है, कैथोड पर एनोड पर उस अशुद्ध शुद्ध वाला है ना, तो आपका एनोड होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर मिलेगा, एनोड होगा, एनोड पर इलेक्ट्रॉन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपका है 24 नंबर कि शरीर में भोजन का पचन है किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचन है तो उपचयन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा उपचयन, और श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो दोस्तों श्वसन कहेगा तो आप ऊष्माक्षेपी पर टीक लगाना, ऊष्माक्षेपी पर टीक लगाना, आंसर आपका मिल जाएगा दोस्तों सी नंबर, ऊष्माक्षेपी हो जाएगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका 26 नंबर है, साग सब्जियों का कम
साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, तो ये भी दोस्तों उष्माक्षेपी हो जाएगा। ये भी हमारा बी नंबर मिलेगा, उष्माक्षेपी हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर देता है, वह पदार्थ जो अभिक्रिया के वेग को परिवर्तन कर देता है वह हमारा उत्प्रेरक कहलाता है दोस्तों। वो क्या कहलाता है, तो उत्प्रेरक कहलाता है, इसे आप लोग को अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है कि लिटमस बैगनी रंजक होता है जो निम्नलिखित में से किससे निकाला जाता है, तो लाइकेन से निकाला जाता है। यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं, लाइकेन से निकाला जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए में लाइकेन से निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है, तो दोस्तों मैं प्रबल अम्ल की बात करूँ ना, तो प्रबल अम्ल हमारा H2SO4 भी हो जाएगा और HCl भी हो जाएगा। H2SO4 भी होता है, HCl भी होता है, तो यहाँ पर दो आंसर दे दिया है, तो आप दोनों पर टिक लगा सकते हो। एक्चुअली में H2SO4 भी होता है, ये तो हमारा वो अम्ल होता है, क्या नाम है उसका, जो बैटरी में हम लोग अम्ल डालते हैं ना, बैटरी में जो एसिड हम लोग डालते हैं ना, वही आपका हुआ, ठीक है ना। तो सांद्र H2SO4 ये हमारा बैटरी वाला अम्ल होता है, और इसका आंसर बी भी हो सकता है। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका 30 नंबर है ना, 30 नंबर आपका क्वेश्चन है कि अम्लीय विलयन का पीएच मान, दोस्तों अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम, आंसर आपका बी नंबर मिल जाएगा। और दोस्तों अगला क्वेश्चन 31 नंबर, खरिया का रासायनिक सूत्र, दोस्तों खरिया का रासायनिक सूत्र CaCO3 होता है, मतलब कि आंसर आपका मिल जाएगा ए नंबर। खरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaCO3 होता है, आंसर आपका मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, एक्वारेजियम मिश्रण में HCl और HNO3, तो HCl में एक, HNO3 में 3, तो एक और 3 मिल जाएगा, आंसर आपका 32 का मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर मिल जाएगा, एक और अनुपात 3 होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र, दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट का अणुसूत्र NaHCO3 होता है, और ये सोडियम बाइकार्बोनेट पता है क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, तो ये आप लोगों को याद रखना, ए नंबर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन लवण है, तो दोस्तों लवण आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट हमारा लवण होता है, तो हमारा आंसर मिल जाएगा दोस्तों 34 का सी नंबर। 35 नंबर दोस्तों क्वेश्चन कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट, दोस्तों दिया ही नहीं है, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट कहीं दिया ही नहीं है। देखो इसका ये सब ऑप्शन गलत है, ए भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी गलत है, और बी भी गलत है। देखो इसका सूत्र होता है CaSO4 होता है, और इनटू में 1/2H2O होता है, तो लगता है कहीं ना 1/2 छूट गया है, 1/2 कहीं छूट गया होगा इसलिए, तो आपको आंसर याद रखना है कैल्शियम सल्फेट और 1/2H2O हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपको पता होगा चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो आप लोग सुने होंगे शायद चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, लेकिन नाम नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल ही होगा। तो एग्जाम में दोस्तों कन्फ्यूज करने के लिए दोस्तों ये क्वेश्चन एकदम अवश्य देगा, तो इससे आप लोग को डरना नहीं है, क्योंकि आपको पता है चींटी के डंक में मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, और मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम होता है फॉर्मिक अम्ल। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन 37 नंबर है कि वायुमंडल में O2 की मात्रा कितना है, 0.03%, याद रखना ई वाला होगा, जीरो के बाद से एक ही को जीरो होगा, डबल जीरो नहीं होगा, बस एक को जीरो होगा, बी नंबर वाला आंसर टिक लगा देना। अगला दोस्तों क्वेश्चन आपका है 38 नंबर कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, तो जल से बाहर निकलता है ना, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन जो होता है ना वो बाहर निकलता है जल से। अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रकाश संश्लेषी अंगक कौन होता है, तो दोस्तों आप लोग याद करना है आंसर आपका मिला क्लोरोफिल को, हम लोग अंगक है क्लोरोफिल हो गया। अब देखो अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन में पाचन सहायक होता है, लाइपेज होता है ना, प्रोटीन में पाचन का क्या होता है, लाइपेज है पेप्सिन, प्रोटीन में पाचन में सहायक होता है, तो पेप्सिन होता है, आंसर आपका ए नंबर मिल जाएगा। अगला कुछ, आहार नल का सबसे लंबा भाग क्या होता है, दोस्तों छोटी आंत होता है। और छोटी आंत को हम लोग क्षुद्रांत भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, क्षुद्रांत भी हम लोग इसे बोलते हैं, तो इसे याद रखना। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम दोस्तों किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, तो क्लोरोफिल में पाया जाता है, यहाँ पर आपका आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कुटपात किस में पाया जाता है, दोस्तों अमीबा में पाया जाता है, कुटपात किस में, तो अमीबा में पाया जाता है, 43 का आंसर बी नंबर मिल जाएगा। जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो याद रखना दोस्तों 44 का आंसर मिल जाएगा, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, तो 44 का आपका आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर मिल जाएगा, अमाशय में पाई जाती है, अमाशय अग्नाशय नहीं बल्कि अमाशय। अगला क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार से श्वसन बनता है, अवायवीय श्वसन बनता है, जो इथाइल
मतलब कॉल है ना, वो अवायवीय श्वसन में बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एस्टोमेटा किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है ना, इसका आंसर आपका मिल जाएगा बीमर, पत्तियों में पाया जाता है। 46 का आंसर बीमर मिल जाएगा। यहाँ तक दोस्तों आपका 47 नंबर क्वेश्चन है, किण्वन क्रिया किस जीव में होता है? तो इष्ट में होता है ना, किस जीव में? इनके ईस्ट में होता है। ऑप्शन नंबर आपका मिल जाएगा बी नंबर मिल जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर क्वेश्चन, आपको याद रखना है ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग क्या होता है? तो गिल्स होता है। मत्स्य मतलब कि मत्स्य पालन मतलब कि मछली, और मछली का श्वसन अंग क्या होता है? गिल्स होता है, जिसको हम लोग गलफड़ा भी कहते हैं, तो आप लोग को याद रखना, गलफड़ा भी दे आप लोग टिक लगा देना। और दोस्तों अगला आपका क्वेश्चन है श्वसन क्रिया में भोज पदार्थों का क्या होता है? तो दोस्तों 49 का आंसर मिलेगा विघटन हो जाता है। और अगला क्वेश्चन, अमीबा का मुख्य पाचन अंग क्या होता है? कुटपाद होता है। अमीबा का मुख्य पाचन अंग क्या होता है? तो आपका कुटपाद हो जाएगा। 50 का आंसर क्या मिलेगा? मुख्य पाचन अंग नहीं, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? तो अमीबा अपना भोजन कुटपाद के द्वारा पकड़ता है, और इसका पाचन अंग भोजन रसधानी होता है ना, भोजन रसाधानी होता है, जबकि कुटपाद के द्वारा पकड़ता है अपना भोजन ना, ठीक है। तो दोस्तों ये 50 क्वेश्चन हो गया। देखो इसका आंसर भी है, अगर आपको जिसको भी को PDF चाहिए इसका, तो व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर डाउनलोड कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना।